की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी विधानसभा में लव जिहाद पर बिल पास हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी से, जहां यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास हो गया है। कोई भी अब इसकी शिकायत कर सकेगा इस बिल के तहत, साथ ही उम्र कैद तक की भी इसमें सजा का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी से, जहां यूपी विधानसभा में मंगलवार को यानी आज लव जिहाद से जुड़ा बिल पास हो गया है। इस बिल में अब आरोपियों को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। बता दें कि इस कानून में कई अपराधों की सजा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। लव जिहाद के तहत कई नए अपराध भी इसमें जोड़े गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास हो चुका है। बता दें कि इस कानून में दोषी पाए जाने पर 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान है, और अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामलों में FIR दर्ज करवा सकता है। साथ ही बता दें कि पहले मामले में सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़ित माता पिता या भाई बहन की मौजूदगी जरूरी थी। वहीं अब लव जिहाद के मामलों की सुनवाई भी सत्र न्यायालय से नीचे की कोई अदालत नहीं कर सकेगी। इसके अलावा लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा, और इसमें सभी अपराधों को गैर जमानती बनाया गया है। साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ पहला कानून 2020 में बनाया था। इसके बाद यूपी सरकार ने विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया, और इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। इस विधेयक में ये प्रावधान था कि सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य माना जाएगा। बता दें कि पहले 10 साल की सजा का प्रावधान था। यूपी में बने पुराने कानून के मुताबिक झूठ बोलकर धोखा देकर धर्म परिवर्तन कराना अपराध माना जाएगा। अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा। विधेयक के मुताबिक जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पर 15,000 रुपए जुर्माने के साथ 1 से 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान था। और इस मामले में भी यदि केस दलित लड़की से जुड़ा होता था तो उस मामले में 25,000 रुपए जुर्माने के साथ 3 से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से धर्म परिवर्तन कानून बनाने को लेकर पहले ही कहा गया है कि ये राज्य सरकारों का मामला है और ये सूबे की सरकारों को भी तय करना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास हो चुका है, यानी कि अब कोई भी धर्म का व्यक्ति जिसके साथ गलत हो रहा है वह अब इस बिल के तहत शिकायत कर सकेगा, और जो आरोपी होगा उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी।